For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, I'm Harjeet and you're watching Movies Adda. Pati, Patni aur Wo. Well, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाले जिन जिनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकला है वो इंसान वो शख्स इस वक्त मेरे साथ है. प्लीज़ वेलकम मिस्टर हरजीत छाबड़ा विद मूवीज अड्डा. हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा. थैंक यू सो मच सर. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आया. तो ये कॉन्सेप्ट इस नाम से नहीं आया, नाम कॉन्सेप्ट से आया है. कॉन्सेप्ट बिटवीन मी एंड निशीत, निशीत माई पार्टनर. He is the creative guy, so to say, in our partnership. तो हम एक कहानी पे काम कर रहे थे जिसमें हम थोड़ा सा एक supernatural element है और हम बात कर रहे थे एक ऐसे आदमी की जिसकी लाइफ में अगर रोमांस ना हो और सडनली एक ओवरडोज ऑफ रोमांस आ जाए तो हाउ इज़ ही गोइंग टू हैंडल इट, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा और हाउ विल ही लुक एट इट. तो कहानी उस तरह की कहानी थी और इवेंचुअली व्हेन इट केम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अनंत, विनी एंड रिया सेन. सो रिया इज दैट एलिमेंट दैट वॉक्स इन टू द लाइफ ऑफ अनंत एंड देन व्हाट हैपेंस, दैट्स द होल स्टोरी अबाउट. सो वहाँ से नाम आया कि पति पत्नी और वो. हाँ, ऑल्सो सर, जैसे कास्टिंग कभी भी वेब सीरीज हो या फिल्म हो या टेलीविजन हो, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो अनंत, विनी और रिया, ये तीन कैरेक्टर्स जब आपके दिमाग में थे तो क्या यही लोग आपके दिमाग में थे एज कि आपको इन्हीं लोगों को लेना है इन कैरेक्टर्स के लिए? तो कभी भी हाँ, इतना स्पेसिफिक नहीं होता है जब आप कैरेक्टर लिख रहे होते हो, क्योंकि हमने किसी को बहुत सोच के नहीं लिखा था, लेकिन हमने टाइप ज़रूर सोच के लिखा था कि कौन प्ले कर पाएगा, समबडी हु वुड लुक द पार्ट. एंड ऑल ऑफ दीज थ्री पीपल एक्चुअली फेल्ट वेरी वेल टुगेदर. मतलब अनंत को जब हम पहली बार मिले तो हमने शायद 10 मिनट में डिसाइड कर लिया था कि अनंत ये पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन वो तब हुआ जब हमने, हमारे कास्टिंग टीम ने अनंत का नाम रिकमेंड किया, हम उससे मिले एंड देन वी रियलाइज दैट ही इज़ परफेक्ट. सो वंस वी मेट अनंत वी डिड नॉट लुक फॉर एनी ऑप्शन. तो ऐसा नहीं था. और अनंत ने इसके पहले एटलीस्ट फिल्मों में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं लेकिन लीड नहीं प्ले किया है, तो उसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी और हमारे लिए भी एक ये था कि हाँ, वी नो दिस गाइज केपेबल एंड लेट्स रियली गो अहेड एंड डू इट विद हिम. आई थिंक नाउ वंस यू सी दिस यू विल सी ही हैज़ इमेंस पोटेंशियल इवन एज अ लीड एंड ही कैन फिट इन टू यू नो द प्रोफाइल ऑफ a small town Indian guy so well. With Riya, we wanted a Bollywood face. We were very clear. We wanted a Bollywood face. और कहानी ऐसी थी, उसमें हमें चाहिए था कोई ऐसा जो बंगाली और यूपी के बीच का बैलेंस, वो क्यूटनेस लेके आए, थोड़ी सी बंगाली हो उसकी हिंदी में भी. तो रिया फिटेड दैट बिल वेरी वेल. But then, because हमें रिया पसंद है, रिया करेगी या नहीं ये, you know, it is, so we met Riya and then when we met and we shared the concept, she loved it in the first go and she said, I'm on. So things happen like that. मतलब आपकी एक wish list होती है and then at times, कभी कभी नहीं भी होता है because the artist is not available, या artist को script समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई. But in our case, we were very lucky. Vinny also, Vinny is a wonderful actress and she had just wrapped a show on television and she was available and the part that she is playing, when you see, is not easy because mein bahut sare emotion hai. Jealousy is one of the biggest aur jealousy ek औरत के कैरेक्टर का बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है एंड द वे शी इज पोर्ट्रेड इट यू विल लव इट, लव फॉर द वे शी इज पोर्ट्रेड इट. So I think we were lucky with casting. Also हम चाहते थे cast ऐसी हो कि हम इसको film की तरह scale कर पाएँ. So we wanted some known faces, people who you know also worked on the larger screen, bigger screen. So that is why an ensemble of all of these guys. Also, सर जैसे आपने बताया बिकॉज मथुरा और बंगाल का थोड़ा सा मिक्सचर है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ जाकर शूट करना? तो हमारे लिए फॉरेन लैंड था. अगर हम बैंकॉक चले जाते और मथुरा चले गए तो हमारे लिए दोनों न्यू टेरिटरी थी, क्योंकि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. आई मीन देर आर कंट्रीज वेर देर इज़ अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर शूट. बैंकॉक फॉर एग्जाम्पल इज़ वन ऑफ द, मथुरा हैज़ नो शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पूरी की पूरी टीम आप बॉम्बे से लेके जाते हो,
आप एक्टर्स भी अगर आपको लेके जाने हैं तो सारे बॉम्बे से जाते हैं, विच मीन यू हैव अ टीम ऑफ 70 to 100 पीपल स्टेइंग विद यू फॉर 30 days. सो इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एवरीबडी एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर एवरीबडी इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. कोई एक्टर का मूड खराब हो गया, किसी टेक्नीशियन की तबीयत खराब हो गई, ऑल ऑफ इट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द product. So part of the experience is that responsibility of making sure everybody feels like a family. कोई घर को miss ना करे, क्योंकि 30 दिन का schedule बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है. लोग घर miss करने लगते हैं. और if I'm not wrong, most of the people had never been out of home for 30 days. Unless even people who do films, now films have a culture of 40-45 day schedule. But पहले भी लोग एक एक schedule 10-15 दिन का करके लौट आते थे. तो ये वन गो टू फिनिश 30 days, दैट वे वॉज चैलेंज. बट वी ऑल काइंड ऑफ एंड वी वर शूटिंग इन डिसम्बर, तो हमें था कि हमें न्यू ईयर के पहले ख़त्म करना है. सो वी रैप्ड ऑन 30th एंड एवरीबडी गॉट बैक होम ऑन 31st एंड देन दे काइंड ऑफ या ब्रॉट इन देयर ओन न्यू ईयर. बट दैट वे इट वॉज एज आई सेड इट्स अ फॉरेन लैंड, सो कुछ चैलेंजेस होते ही हैं. पर आई थिंक पीपल ऑफ मथुरा वर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, वेरी केयरिंग. हमने आउटडोर में बहुत शूट किया. जब आप देखोगे घाट में शूट किया हमने, हमने यमुना जी में शूट किया है, हमने सड़कों पर शूट किया है. तो पीपल वर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. आई मीन वेदर इट वॉज एडमिनिस्ट्रेशन और वेदर पीपल ऑन द रोड, एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल. तो ऐसा कभी नहीं था कि हमको किसी ने परेशान किया हो. सर, जैसे वेब सीरीज़ है, आजकल बहुत वेब सीरीज़ का ज़माना चल रहा है, पीपल आर यू नो प्रेफरिंग वेब सीरीज़ ओवर टेलीविजन सीरियल्स और इनफैक्ट मूवीज़ फॉर दैट मैटर. सो वेब सीरीज़ और टेलीविजन या फिर फिल्म्स, ये इसमें आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है? तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही पैलेट पर नज़र आती हैं या अलग अलग नज़र आती हैं? तो वेब सीरीज़ और फिल्म ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बनाई जाती है. जब आप फिल्म बनाते हो तो आप एक बाउंड स्क्रिप्ट लेकर पूरे फिल्म का प्लान लेकर उतरते हो. वेब सीरीज़ भी आप पूरे की पूरी स्टोरी स्टार्ट टू एंड लेकर उतरते हैं. टेलीविज़न एक अलग तरह का मीडियम है. टेलीविज़न में आप एक एक साल की कहानी कभी भी लिख कर नहीं उतर सकते, क्योंकि टेलीविज़न रेटिंग ड्रिवन होता है. तो हर हफ्ते रेटिंग आती है तो आप वापस जाकर देखते हैं कि क्या चला क्या नहीं चला, क्या लोगों को पसंद आया नहीं आया. लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं ये रेटिंग इंडिपेंडेंट होते हैं. आप इनको बना के एक साथ उतारते हो तो आप बहुत तैयारी के साथ उतरते हो. प्री और पोस्ट में आपको बहुत टाइम होता है, क्योंकि आपको कोई जल्दी नहीं होती है. टेलीविज़न हाई प्रेशर होता है, आपको आज शूट किया अगले 3, 4, या 5 दिन में ऑन एयर जाना ही है. तो दोनों अलग गेम है. यहाँ आपको तैयारी करने का मौका मिलता है, उसके बाद भी अगर आप तैयारी ना करो तो फिर वो आपकी गलती है. बट वेब सीरीज़ मोर लाइक फिल्म्स एंड ऑल्सो फ्रॉम अ ड्यूरेशन परस्पेक्टिव इफ़ यू सी इट इज़ ऑलमोस्ट फॉलिंग टुगेदर. मतलब फिल्म्स आर व्हाट, almost 2.5 hours, 150 minutes. Web series are almost 250 minutes, so 100 minute more than a film. But structurally it has a starting, a middle and an end, and you plan and then go on flow. Talking about the web series sir, Pati Patni aur wo, aapko kya lagta hai ek aisi USP ki kya audience ko attract karega is web series ke liye? So आई थिंक इसका जो ह्यूमर एलिमेंट है, सादगी है, और जो ह्यूमन इमोशन है, बेस ह्यूमन इमोशन है, जो मेल फैंटेसी है, वो हर बंदा कनेक्ट करेगा. जो फीमेल डिज़ायर फॉर रोमांस है, दैट एवरी फीमेल वुड कनेक्ट विद, यू नो, हर एवरी वुमेन्स डिज़ायर कि अगर मेरी शादी हो रही है तो मुझे शादी के बाद रोमांस मिले या लाइफ में प्यार मिले. ये हर एक का एक इंट्रेंसिक डिज़ायर है. ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा नहीं यार मैं आई डोंट हैव द नीड फॉर लव. तो जो इमोशन है वो बहुत सिंपल है, कोई भी इंसान इमोशन से कनेक्ट करेगा. और उसको इतनी सादगी से दिखाया गया है और कॉमिकल वे में दिखाया गया है कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहेगी जब आप देख रहे होगे. तो आई थिंक पीपल विल हैव अ गुड टाइम वॉचिंग दिस. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल वॉच विद अ हैवी हार्ट कि अरे यार क्या चल रहा है ये कैसे हो गया. एक हल्के फुल्के आप मज़े लोगे. कुछ ऐसे मोमेंट भी होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे जो सराउंड में हैं इनके. ऑल एंड ऑल एक स्टोरी विद अ हार्ट है, कहानी में बहुत ज़्यादा हार्ट है एक.
ऑल्सो सर, जैसे अभी आपने बोला कॉमेडी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कॉमेडी ज़्यादा टफ होती है बाकी किसी जॉनर के कंपैरिजन में? लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रादर देन आप कोई लव स्टोरी लेकर जाओ या फिर कोई एक्शन ड्रामा लेकर जाओ, लेकिन जब कोई कॉमेडी का सीन आ जाता है तब ऑडियंस को, बिकॉज इट्स वेरी टफ कि आप जो स्क्रीन पर परफॉर्म कर रहे हो जिस फील के साथ, वही फील ऑडियंस तक पहुँचे और वो भी उतनी ही ठहा के लगा के हंसे। नहीं, आई थिंक काम तो सब मुश्किल होते हैं, ऑडियंस को रुलाना भी उतना ही मुश्किल काम होता है। आप फिल्म देखने जाते हो तो हंसते हम ज़्यादा हैं, रोना बहुत कम। फिल्मों में आपको एक्चुअली फील हो जाता है अंदर से और आप रो पड़ते हो। हर काम उतना ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप अगर हम कॉमेडी बना रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हम वी मेक श्योर दैट वो लोगों तक पहुँचे, पंचेज लोगों को समझ में आए, लोग सिचुएशन से रिलेट करें, कैरेक्टर जो फंसा हुआ है उससे रिलेट करें और उसके मज़े लें। हाँ, अगर वो थैंकफुली वी हैड गुड एक्टर्स एंड दे हैव ब्रॉट द सीन टू लाइफ। अब हम जब डब कर रहे होते हैं तो डब करते टाइम एक्टर्स को खुद हंसी आ रही होती है, सो दैट इटसेल्फ। हाँ, जब वो कर रहे होते हैं क्योंकि वो सीन देख रहे होते हैं पहली बार, उन्होंने भी देखा नहीं है। अब जब हम डब कर रहे होते हैं उनके साथ तो दे आर ऑल्सो वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन दे स्टार्ट लाफिंग इट्स अ गुड साइन फॉर अस टू से कि हाँ ठीक है, इनको मज़ा आ रहा है। और जब इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, इनको मज़ा आ रहा है, तो फॉर ऑडियंस इट्स सर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक एवरी थिंग इज़ डिफिकल्ट, बट इफ़ यू डू इट ऑनेस्टली वो ऑनेस्टी दिखती है पर्दे पर। तो सर, जाते जाते व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे और कब ये वेब सीरीज हम देख सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं, प्लीज़ एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए। सो करंटली सी, हमने इसको बिल्कुल फिल्म की तरह स्केल किया है, हमने बनाया इसको इस तरीके से है कि आप जब देख रहे हो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कास्ट करके तो आपको ये लगेगा कि आप एक फीचर फिल्म देख रहे हो। सो दैट वेज वी कैन प्रोमिस द ऑडियंस दैट इट विल बी अ वर्थ वाइल 4 hours, सिट विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड वॉच एंड एन्जॉय। देर विल बी मोमेंट्स दैट यू माइट से कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसी चीज़ें भी होंगी। एब्सोल्युटली, ये आपकी हमारी दुनिया की कहानी है, बट उसमें थोड़े से फैंटास्टिकल एलिमेंट हैं, बस वो चीज़ें हैं। हमने बनाया इस तरीके से कि हम ये किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डाल पाएँ। तो दिस वी आर इन टॉक्स विद अ फ्यू बिग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। द आइडिया इज़ टू पुट इट ऑन वन ऑफ द लार्ज प्लेटफॉर्म जिसकी रीच थोड़ी मास हो। यू शुड सी द फाइनल प्रोडक्ट लाइव ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ और साथ ही साथ वेब सीरीज़ को लेकर और पति पत्नी और वो जो कि बहुत जल्द आने वाला है उसको लेकर हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।